पता इसका सिल्वर कलर का था और यहाँ पे क्या हो गया है व्हाइट कलर का, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन कलर। एक अदर एग्जांपल है, आप कॉपर के वायर को एसिड में डाल दीजिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल दीजिएगा, तो कुछ देर बाद जब आप देखेंगे वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कलर, ठीक है, इनके बीच में रिएक्शन हुई है तो वो चेंज हो गया। दूसरी बात, आपको एक एक्टिविटी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, आता भी है कि भाई मैग्नीशियम का जब हम रिबन जलाते हैं तो उससे पहले उसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। क्या है, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है, उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर जमा हो जाती है, उसके ऊपर कोरोजन की वजह से उस पर जमा हो जाती है। तो फर्स्ट उसको हम क्या करते हैं, जलाने से पहले सैंड पेपर से, जिसे हमारे यहाँ रेगमाल भी बोलते हैं, उससे पहले उसको साफ करते हैं ताकि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, और वो मैग्नीशियम ही रह जाए। फिर उसको हम जलाते हैं और इनके बीच में एक रिएक्शन होती है, Mg+O2 NaOH, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम को हमने जलाया है, ठीक है, और बन गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का होता है, ये सिल्वर कलर का होता है, तो इसमें चेंज क्या हो जाता है, कलर, ठीक है। और कॉपर वाला भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, एसिड में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आप देखें प्रेसिपिटेट, मिल्क ले लीजिए, मिल्क में आप लेमन जूस डाल दीजिएगा, नींबू का रस, जब आप उसको गर्म करेंगे तो आप पाएंगे कि वो क्या हो गया, उसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, मतलब वो फट गया एक तरीके से, उसमें वो प्रेसिपिटेट बन गए। क्या बन गए उसके अंदर, प्रेसिपिटेट। जो चीज होता है पनीर होता है वो प्रेसिपिटेट ही होते हैं, जब आप दूध में डालेंगे तो फटाफटा हो जाएगा, उसको जब फिल्टर करेंगे तो वो आपने प्रेसिपिटेट फिल्टर कर लिया। क्या करा आपने, प्रेसिपिटेट फिल्टर करा। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक। और लास्ट पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। बेटा बहुत, जब हम दो सब्सटेंस को मिलाते हैं तो रिएक्शन ऐसी भी होती है जिनमें गैस रिलीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जिंक मेटल है, जिंक मेटल ZN को मैं जब सल्फ्यूरिक एसिड में डालूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसमें मैंने क्या डाला है, जिंक मेटल ZN मेटल, तो मेरे बेटे यहां से एक गैस रिलीज होगी, जिस कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस।